तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 100 मीटर के ऐसे 5 टिप्स जिसकी वजह से आपका जो 100 मीटर का टाइम है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जब आप स्टार्ट लेते हैं और जब आपकी रनिंग की जो पोजीशन है, जब आप 100 मीटर में 40 लेकर 50 मीटर तक जाने के बाद किस तरह से आपको हैंड पोजीशन रहना चाहिए, किस तरह से आपको हैंड पोजीशन रहना चाहिए, आपके लेग के मूवमेंट किस तरह से रहनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और उसी की दोस्तों आपको यहाँ पर मैं 5 टिप्स बताऊंगा, उसको आप अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो आपका टाइमिंग 100% कम होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले टिप्स की बात करते हैं। जब आप 100 मीटर का स्टार्ट लेते हैं, जहाँ पर आप बैठते हैं, उसके बाद सेट हो जाते हैं, फिर स्टार्ट लेते हैं, और दोस्तों आपको स्पीड से लेना है, जितना हो सके आपको स्पीड से लेना है। और उसको स्टार्ट स्पीड से लेते वक्त आपको जो हैंग पोजीशन है वो ऊपर तरफ जानी चाहिए और पीछे का हाथ भी इस तरह से ऊपर जाना चाहिए। और आपको स्टार्ट फास्ट लेना है। जब आप स्टार्ट फास्ट लोगे तभी आपका 100 मीटर का टाइम कम हो जाएगा, मतलब जितना आप स्टार्ट स्लो लेते हो तब आपका टाइमिंग नहीं फास्ट कम होगा। इसलिए जितना आप स्टार्ट फास्ट लोगे तो उतना आपका टाइमिंग कम होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम सेकंड टिप्स की बात करते हैं। जब आप स्टार्ट लेते हैं तब दोस्तों आप स्टार्ट लेने के बाद आपको बॉडी जितना हो सके नीचे से झुकना है, मतलब आपको अप नहीं आना, आपको नीचे से जाना है। मतलब जब जितनी बॉडी आपकी नीचे रहती है उतना आप बहुत अच्छे से आगे जाते हैं। हैंग स्वीप करके, नी लिफ्ट करके आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। इस तरह से आपको 100 मीटर का स्टार्ट लेना है। आपको 20 से लेकर 30 मीटर तक इस तरह से दौड़ना है और इसके वजह से भी आपका जो बॉडी है वो आपकी आगे झुक जाती है और आपका टाइमिंग कम होता है। फिर उसके बाद उसी के साथ मैं तीसरी टिप्स की बात करूँगा। फिर उसके बाद दोस्तों जब आप रनिंग करते हैं तब आपको दोस्तों टॉप पर रनिंग करना है। आपको 100 मीटर सिर्फ टॉप पर करना है। जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं तब दोस्तों आपको टॉप पर रनिंग करना चाहिए। सिर्फ आपका जो टो है वही, आपका जो पंजा है वही आपको ज़मीन पर रखना है और 100 मीटर टॉप पर ही रनिंग करते हैं, इसलिए आप भी टॉप पर रनिंग करना। फिर नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं दोस्तों। आपको रनिंग स्पाइक पर करना चाहिए। आप सिर्फ शूज़ पर रनिंग करोगे तो दोस्तों आपको क्या होता है, शूज़ और स्पाइक का फ़र्क क्या होता है। जब आप शूज़ पर रनिंग करते हैं तब आपका जो नीचे का ग्रिप है वो ऐसे घिस जाता है, मतलब आपका स्लिप हो जाता है। जब आप स्पाइक पर रनिंग करोगे तब आपका ग्रिप अच्छे से हो जाता है, आपका ऐसा स्लिप बिल्कुल नहीं होता शूज, और आप आगे की तरह अच्छे से रनिंग कर पाओगे। इसलिए आपको स्टार्ट से लेकर फिनिश तक मतलब आपको 100 मीटर स्पाइक से दौड़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स की बात करते हैं। जब आप 100 मीटर का रनिंग करते हैं तब दोस्तों आप स्टार्ट लेने के बाद 20-30 मीटर जाने के बाद आपको बॉडी स्ट्रेट जब आप रखते हैं तब आपको आपका आपकी जो बॉडी पंक्चर है वो आपके ऐसे रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी आगे झुकनी चाहिए नॉर्मल, और आपका हैंग स्विंग अच्छे से होना चाहिए। 100 मीटर रनिंग जब आप करते हैं तब आपको दोस्तों बॉडी इस तरह से, स्टार्ट लेने के बाद जब आप आगे आ जाते हैं तब आपको इस तरह से बॉडी स्ट्रेट रखनी है और थोड़ी आगे उतर झुकनी है। और आपका हैंड स्विंग देखो, हैंड स्विंग दोस्तों आपको ऊपर नीचे होने चाहिए और आपका जो घुटना है वो भी आपको थोड़ा ऊपर उठाना है और टॉप रनिंग करना है। इस तरह से आप रनिंग करोगे तो आपका जो टाइमिंग हो 100% कम होगा ही और आपका स्पीड भी अच्छे से लगेगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाएगा और आपका टाइमिंग भी कम होगा। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।